हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल रिटेन ड्रो तो आज हम जो मेडिसिन पढ़ेंगे उसका नाम है डलकामरा जो डलका मेडिसिन होती है ना इसके अंदर जो कॉमन नेम है वो है इसका बिटर स्वीट और इसके प्रूवर है डॉक्टर हैनीमैन और फैमिली है सोलिनसी इस मेडिसिन के गाइडिंग सिम्टम इम्पॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा इसमें इसके एलिमेंट्स पूछ सकते हैं टू मार्क्स में स्किन सिम्टम इम्पॉर्टेंट है एंड इसकी मोडलिटीज इम्पॉर्टेंट है सो डलका इज़ अ एक्सीलेंट रेमेडी फॉर द ट्रबल्स बॉट ओन और एग्रवेटेड बाई एक्सपोजर टू कोल्ड डैम्प रेनी वेदर और सडन चेंजेस इन हॉट वेदर वैन द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड तो इसमें क्या होता है कि जब भी ठंड में एक्सपोजर होने से या रेनी वेदर में एक्सपोजर होने से अगर किसी पेशेंट को कम्प्लेन्ट आती है कि इसी दौरान इसी वेदर में उसको एग्रवेशन फील होती है इन इन कंप्लेन में तो हम डलका मेडिसिन को दे सकते हैं ठीक है और उसके अलावा इसमें कॉन्सिक्वेंट अपॉन द परस्परेशन बींग सप्रेस्ड देर इज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेब्रेन विच इज अ ग्रेट सिम्टम ऑफ डल डलकामा कैटारल कंडीशन एंड प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस सच एज यूरिन सिलाई लूज टूल म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर वेरी कॉन्स्पिशियस सो इसमें क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके डिस्चार्ज उससे जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है क्योंकि इस वेदर के अंदर डैम्प वेदर में एंड थिक डिस्चार्जेस होने लग जाते हैं और यहाँ पे क्या है परस्पिरेशन अगर सप्रेस्ड हुआ है किसी पेशेंट में ऐसी हिस्ट्री मिलती है तो उस केस में भी डेल कामना मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है इंक्रीज म्यूकस मेम्रिन सेक्रीशन होगा कटारल कंडीशन होएगी तो उसमें भी डेल कामना मेडिसिन इफेक्टिव है जनरल एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड एंड रिलीफ बाय वॉम्थ तो कंप्लेन्ट्स कहाँ से हो रही है कोल्ड की वजह से हो रही है डैम्प वेदर से हो रही है और रिलीफ कैसे मिलेगा वार्म से अर्टिकेरिया एंड अदर वेरियस स्किन ट्रबल्स ऑल ओवर द बॉडी विदाउट फीवर अर्टिकेरिया में भी ये अच्छा काम करती है अक्यूरियस रीजनल अक्ोरियस रीजनल इफेक्ट ऑफ डलकामा इज एट और अबाउट द अम्बलाइकस वे आर पिंचिंग एंड शूटिंग पेन अकर्स अगेन एंड अगेन सो अगर अम्बलाइकस रीजन में पिंचिंग शूटिंग टाइप का पेन हो रहा है तो उसके अंदर भी ये अच्छा क्योर करती है देर एयर विल भी रैश एंड अदर इरप्शन ऑन फेस हैंड एंड आर्म्स बिफोर मेसिस देर इज जनरल टेंडेंसी टू थ्रो आउट इरपशन ऑल ओवर द बॉडी अगर पेशेंट की ऐसी कंप्लेन है कि मैंसेज से पहले उसको रैशेज हो जाते हैं फेस पे हैंड पे स्किन पे आर्म्स के स्किन पे हर जगह पे रैशेज हो जाते हैं या कुछ इरप्शन हो जाते हैं ऐसी कंप्लेन के अंदर भी डिलकामरा काफी इफेक्टिव है वे लाइक एन मिल्की यूरिन कटारल इस चूरिया इसचूरिया मतलब होता है ब्लॉकेज इन द यूरिन पैसेज इन ग्रोन अप चिल्ड्रेन विद मिल्की यूरिन फ्रॉम वेडिंग विद बेयर फीट इन कोल्ड वाटर इन वॉलेंटरी यूरिन सो अगर मान लो ऐसा है कि यूरिन कैसा है मिल्की कलर का आता है ठीक है वे लाइक कलर का आता है तो उस मिल्की यूरिन की प्रॉब्लम के लिए भी डलकामरा इफेक्टिव है एनएसआर का आफ्टर एट रेमेटिज्म और स्कारलेट फीवर ड्रॉपसी आफ्टर स्प्रेस्ड स्वेट स्प्रेस्ड इरप्शन और एक्सपोजर टू कोल्ड सो बॉडी का जर्नलाइज जो एडिमा होता है तो उसे एन एस आर का कहते हैं रोमेटिज्म कंप्लेंट होती है या फिर स्कारलेट फीवर की कंप्लेंट है इन सब चीज़ों के अंदर भी डल कामरा इफेक्टिव है मेन इसमें क्या है एलमेंट्स है कि भाई डैम वेदर है रेनी सीजन है रेनी वेदर है कोल्ड है इन सब की वजह से ही सारी यही सारी कॉजेशन है और इसी की वजह से पेशेंट में सारी कंप्लेन्स आती हैं सो so, ये थी डलकामना मेडिसिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए थैंक यू सो मच